नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया खबर लाइव में। मैं हूं अनूप पांडे। खबर है जरा हटके। जी हां, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिला कलेक्टर अनुराग चौधरी की पहल पर विद्यादान योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके चलते तानसेन रोड पर स्थित शासकीय माध्यमिक विद्यालय ओल्ड वेवरी में कक्षा आठवीं के बच्चों का एग्जाम लिया गया। एग्जाम का परिणाम घोषित कर क्लास में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आने वाले बच्चों को विद्यादान योजना के अंतर्गत मेडल और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। वहीं जो बच्चे एक या दो नंबर से पीछे रह गए, उन्हें संतावना पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य बीएस भदौरिया, प्रीति श्रीवास्तव और बबीता सेंगर उपस्थित थीं। इंडिया खबर लाइव के लिए ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। कहा जाता है, अपने लिए तो सब जीते हैं, दूसरों के लिए जियो तो जिंदगी है। जी हाँ, ऐसा ही कुछ कारनामा कर दिखाया है ग्वालियर शहर के व्यवसायी और आईटी एक्सपर्ट हेमंत निगम ने। जी हाँ, हेमंत निगम कहने को तो एक आईटी एक्सपर्ट है और एक सफल व्यवसायी है, लेकिन अपने जीवन में कुछ नया करने के उद्देश्य से उन्होंने ग्वालियर जिले के कलेक्टर अनुराग चौधरी की पहल पर विद्यादान योजना पर समय समय पर बच्चों को निशुल्क कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं और साथ ही साथ बच्चों का उमंग उत्साह बढ़े उस हेतु अपने स्वयं के वैसे बच्चों को पुरस्कार वितरण भी करते हैं। कहीं ना कहीं यह पहल समाज को एक आईना दिखाती है, सकारात्मक पहल की ओर हमें ले जाती है। ऐसा ही हर कोई हेमंत निगम की तरह हर कोई कहीं ना कहीं यही सोच रखे कि हमें भी अपने बहुमूल्य जीवन में से कुछ समय निकाल कर अपने आने वाली पीढ़ी को यदि हम दें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में भी एक सकारात्मकता आएगी। ग्वालियर से अनूप पांडे की एक रिपोर्ट। यदि आपके पास भी ऐसी कोई खबर है जो समाज शहर से ताल्लुक रखती है तो आप हमारे नंबर पर व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं, हम उस खबर को प्रमुखता से दिखाएंगे। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। धन्यवाद।